नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का द स्लाइड शो के इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ स्पाइजन का रग्ड डिजाइन आर्मर्ड बैक कवर, जो कि मैंने अपने रेडमी नोट 8 प्रो के लिए खरीदा है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्पाइजन का ये बैक कवर मैंने ₹1700 में अमेजन से लिया था। ये बैक कवर मैटे ब्लैक कलर में है, जो कि रबराइज मटेरियल का बना हुआ है। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं इस बैक कवर को, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लुक्स की बात करें तो ये बैक कवर मैटे ब्लैक कलर में है, जिसके कारण ये कवर बहुत प्रीमियम लगता है। मैटे फिनिश होने के कारण ग्रिप भी काफ़ी अच्छा बनता है इस फोन पर, और जो पैटर्न्स आपको टॉप और बॉटम में मिलते हैं वो भी कवर की लुक्स को और प्रीमियम बना देते हैं। डिज़ाइन वाइज भी ये बैक कवर बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिसके कारण फ़ोन बहुत अच्छे से इस बैक कवर में फिट होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका फ़ोन का बैक साइड पहले से ही ऐसे मैटे फिनिश में था। बटन्स की पोजिशनिंग भी अच्छे से की गई है और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे प्रोटेक्शन फीचर्स, जैसे कि बैक कवर के अंदर स्पाइजन एयर कुशन टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, जिसके कारण फ़ोन के एजेस पे गिरने से डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बाहर की तरफ एजेस निकले हुए आपको इस बैक कवर में दिखेंगे, जो लेंस को किसी भी तरह की सरफेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आने देते। सिमिलरली, फ्रंट में पूरे फ़ोन के चारों तरफ थोड़े एजेस से उभरे हुए हैं, जो आपके फ़ोन की स्क्रीन को गिरने पर डायरेक्ट इम्पैक्ट से बचाते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले इस बैक कवर की क्वालिटी की बात करें तो ये बैक कवर मेरा दूसरा बैक कवर होगा स्पाइजन ब्रांड का। इससे पहले मैंने अपने Redmi Note 5 Pro के लिए स्पाइजन का बैक कवर लिया था, और उस बैक कवर को 2 साल से ऊपर हो चुका है, और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बैक कवर अभी भी एकदम अच्छी क्वालिटी में है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इट्स स्टिल गुड एज न्यू। सो क्वालिटी की चिंता मत कीजिए, 100% बेस्ट क्वालिटी गारंटीड है इस बैक कवर की। वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने Note 8 Pro के कवर को एकदम मोड़ कर आप लोगों को दिखाया था। ये देखिए, यहाँ पर आपको मैं अब अपना पुराना नोट 5 के बैक कवर को मोड़कर दिखाऊंगा। अगर आप देखें तो नोट 5 का कवर 2 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, और अभी भी कवर कितनी ईजिली अपना शेप वापस फॉर्म कर रहा है नए कवर की तरह। कवर पुराना होने के बाद भी कोई कलर फेड या रबर की क्वालिटी में डिग्रेडेशन मुझे महसूस नहीं हुआ इस पुराने बैक कवर में। तो दोस्तों, फाइनल वर्ड्स में यही कहूँगा इस ब्रांड और इस बैक कवर के बारे में कि जस्ट गो फॉर इट। सोचिए मत, अगर आप ये कवर लेने का सोच रहे हैं तो खरीद लीजिए। बहुत ही प्रीमियम, गुड बिल्ड क्वालिटी और अच्छे लुक्स वाला ये बैक कवर है, जो आपको ज़रूर लेना चाहिए। प्रोडक्ट का बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।